Hey guys, welcome back to my channel. तो आज है सैटरडे और आज हम निकल रहे हैं किसी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए. तो यहाँ पे एक मार्केट है गांधीनगर नेहरू प्लेस बोल के. तो वो मार्केट एक्चुअली यहाँ से ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है, अराउंड 10-12 किलोमीटर्स के दूरी में है. बट सोचे कि कुछ एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि एवरी टाइम मार्केट या शॉपिंग करने के लिए, छोटे मोटे चीज़ खरीदने के लिए लाजपत जाना एंड दिल्ली के मार्केट जाना इज़ नॉट पॉसिबल. तो लेट्स सी. एंड यहाँ से आज हम यहाँ निकलेंगे ऑटो में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पता भी नहीं वहाँ पे शॉपिंग मतलब पार्किंग का क्या है. वैसे मार्केट प्लेस में पार्किंग का तो इश्यूज हो ही जाते हैं, और सैटरडे है तो क्राउड बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट प्लेसेस में. तो लेट्स सी कैसे जाते हैं वहाँ पे. और ऑटो से यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे 30-45 मिनट्स ही लगेगी. तो लेट्स सी, लेट्स गो. वैसे सर्च में तो ये पता चला कि वो कपड़े का मार्केट है, बट आई थिंक कपड़े क्लोथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स मीन्स मिलेगा. तो लेट्स सी हाउ इज़ द क्वालिटी एंड ऑल. तो देखते हैं, चलो चलते हैं आज गांधीनगर नेहरू प्लेस मार्केट. तो अभी रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं लिफ्ट में. ऑटो भी बुक कर लिया है तो ऑटो भी आने वाला है. तो लेट्स सी, मार्केट एरिया है तो थोड़ा सोचे कि मास्क लगा लेते हैं यार, अभी भरोसा नहीं है ना. तो लेट्स गो. तो अभी हम ऑटो में चल चुके हैं और ऑन द वे. पूछे कि यहाँ पे और कुछ मार्केट है कि नहीं, क्योंकि ये तो एकदम भी बेकार वाला लगा मुझे. सारे लड़कों लड़कों का शॉप है, स्ट्रीट शॉपिंग के नाम पे तो कुछ है ही नहीं. तो किसी ने बताया कि 5 मिनट की दूरी में रावण मार्केट बोल के कोई मार्केट है. तो पैदल चल रहे हैं, लेट्स सी वहाँ तक पहुँचते हैं. कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, और कुछ है नहीं तो देखते हैं. तो बैक टू पैविलियन ही जाना पड़ेगा, और क्या. तगड़ा वाला मार्केट बोल के यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. जो अंकल जी ने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट है, यही है क्रावन मार्केट ये. लेकिन एज सच कुछ मज़ेदार नहीं है, मतलब कुछ भी मज़ेदार नहीं है. ऐसे ही शॉप्स हैं सारे नॉर्मल वाले. तो स्ट्रीट शॉपिंग के नाम पे तो एकदम ये फेल हो गया ये मार्केट. तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद ये मार्केट मिला था गाज़ियाबाद में कुछ. लेकिन सही में इट्स नॉट अप टू द मार्क. बड़े बड़े थोड़े वी मार्ट जैसे कुछ शॉप्स हैं, बाकी तो ऐसे कुछ है ही नहीं इस मार्केट में. इट्स नॉट लाइक लाजपत और खान मार्केट. चलो आगे देखते हैं और क्या होता है. लगता है घर ही जाना पड़ेगा कुछ और कवर करने के लिए. तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे पूरा कट गई. तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे एक ओपुलेंट मॉल करके है, तो वो मॉल पे जाते हैं. एंड लेट्स सी, यहाँ पे सारे स्ट्रीट शॉपिंग तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे वैसा वाला शॉप बहुत है. ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तनिष्क, ब्लू स्टोन, तस्या करके बहुत सारे ज्वेलरी के, गोल्ड ज्वेलरी के ऑप्शंस है. तो अभी चलते हैं ऑपुलेंट मॉल की तरफ. और ब्रांडिंग शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड ब्रांड्स तो यहाँ पे आ सकते हैं. रीबॉक, एडिडास, मुफ्ती, ज़ारा, सबका शोरूम्स है, पुमा. तो ये सब आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट फॉर स्ट्रीट शॉपिंग, नॉट एट ऑल. तो ओपुलेंट मॉल चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ इज इट. ऐसे यहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा है, ब्रांडेड का शॉप्स, पीटर इंग्लैंड, धमयाज ज्वेलरीज. तो ऐसे बहुत ज़्यादा है शॉप्स यहाँ पे, ब्रांडेड ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा है, बट स्ट्रीट शॉपिंग ज़ीरो है. तो ये हम आप पहुँचे ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड. तो यहाँ पे आसपास पे कहीं पे ओपुलेंट मॉल है, चलो जाते हैं वहाँ पे. फाइनली हम पहुँच गए ओपुलेंट मॉल. वैसे देखने में तो सुंदर है, नज़ीर है यहाँ पे. नज़ीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरा जो मुगलाई के लिए है, एंड इट्स रियली उसका उनका फूड बहुत ही अच्छा होता है. बट आज सैटरडे है, सैटरडे में तो नो नॉन वेज. तो चलो चलते हैं मॉल के अंदर एंड लेट्स सी.
अपना कुछ काम का होगा तो कुछ खरीदेंगे, नहीं तो अगेन बैक। तो यहाँ से मॉल का एंट्री है, शायद से एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। वैसे मॉल में एंट्री हो चुकी है, ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, छोटा ही मॉल है, बट पैंटलूंस वगैरह है। अभी चलो और एक्सप्लोर करते हैं। ये आजकल बढ़िया चीज़ है, बहुत सारे मॉल्स में ये अभी बच्चों के लिए कार इन्होंने कर दिया है, जहाँ पे आप देख ही सकते हो बड़े लोग भी चढ़ते हैं बच्चों के नाम से। सही है, हमें तो मार्केट 99 दिख गई। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ तो मिल ही जाता है छोटा मोटा अपने काम का, तो चलो चलते हैं मार्केट 99। बाकी आपको मॉल दिखाते हैं बाद में। चलते हैं मार्केट 99। ये बहुत सोप डिस्पेंसर, ये बहुत बढ़िया लगता है, बट बिना सौरभ का डिसीजन कुछ कर नहीं सकते। पोस्टर्स एंड ट्रेज मैचिंग, कैसा है इसका। ये है मेलामाइन के प्लेट्स, इसका साइज क्या है भैया? 500 नहीं, साइज कितना है? 500 ही है ये शायद। कैपेसिटी क्या है इसका? 500 ईमेल या फिर कुछ और? तो अभी हम निकल चुके हैं मार्केट 99 से, और थोड़ा बहुत तो शॉपिंग हमने कर लिया है। घर के थोड़े छोटे मोटे चीज़ें हमने खरीदे, तो वो हम आपको घर जाके दिखाएंगे कि क्या खरीदे। बट इट्स एक्साइटिंग, कभी भी मैं घर की चीज़ें खरीदने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो लेट्स सी। तो अभी हम यहाँ से बाहर चल रहे हैं, और यहाँ पे आसपास में एक डी मार्ट है। तो डी मार्ट इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट शॉपिंग एरिया है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है, घर से शुरू होके सब कुछ मिल जाएगी आपको। तो डी मार्ट है यहाँ पे एक आसपास में, तो वहाँ पे चलते हैं। लेट्स सी, आपको मैं दिखा। ये देखो डी मार्ट अपुलेंट मॉल के ठीक पास में ही है। तो ये जब मैं बॉम्बे में रहती थी तब बहुत जाती थी डी मार्ट, बट अभी यहाँ पे इतना ऑप्शन नहीं मिलता है, बहुत कम दिखता है डी मार्ट यहाँ पे। तो लेट्स गो। तो अभी हमारी हो गई है शॉपिंग खत्म, और अभी हम निकल चुके हैं डी मार्ट से। तो अभी घर चलना है, देखते हैं कैसे चलते हैं, और घर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा शॉपिंग हुआ। फाइनली हम पहुंचे हैं अपने घर, और चाय गए तो एक सेम ही ऑटो से, तो आके देखना था तो कैसे जा सकते हैं, तो बाइक ब्रेकिंग चेंज करते करते हम आए हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको क्या हमने शॉपिंग किया।
वैसे शॉपिंग तो बहुत कुछ किया है बट जिस एक्सपेक्टेशन से हम गए थे विजय नहीं गांधीनगर मार्केट नाम भी भूल जा रही हूँ गांधीनगर मार्केट गाजियाबाद में तो वो तो एक्सपेक्टेशन का तजिया हो गया। तो चलो कोई ना आसपास डी मार्ट था ओपोनेंट मॉल था तो इसलिए थोड़ा टाइम बीत गया। नहीं तो बहुत ही बोर होते बहुत ही जल्दी आ जाना पड़ता नहीं। तो शॉपिंग तो हमने बहुत किया है बट कुछ घर का सारे घर का ही सामान खरीदे खुद के लिए शॉपिंग तो वैसे करना नहीं था और थोड़े छोटे मोटे अगर मतलब ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग वाला करना था बट वो तो मिला ही नहीं हमें तो पूरा धोखा मिल गया गांधीनगर मार्केट के नाम पर। चलो कोई ना एंड ऑफ द डे इट वॉज़ गुड एंड अच्छा हुआ कि हमने एक डी मार्ट एक्सप्लोर किया। डी मार्ट बहुत ही मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है और बहुत सस्ते में चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। तो मतलब मुझे जैसे रिलायंस एंड फूड बाज़ार से ना डी मार्ट की चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड प्राइस भी बहुत रिजनेबल रहती है। तो डी मार्ट तो गया बाद में आती हूँ मैं उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट 99 के से मैंने क्या ख़रीदी। और मार्केट 99 में ऐसा मत सोचो कि वहाँ पे सब कुछ 99 में ही मिलती है उससे कम में भी मिलती है उससे ज़्यादा में भी मिलती है मेनली तो उससे ज़्यादा ही मिलती है। तो चलो ये है मार्केट 99 से। तो ये मैंने दे लिया है दो बाउल तो ये एक्चुअली मैगी खाने के लिए है तो विंटर में हम मैगी बहुत खाते हैं तो मैं और सौरभ तो इसके लिए दो बाउल्स लिए हैं मैंने। मुझे वैसे मैगी वाला मग चाहिए था बट वो था नहीं एंड फिर मैंने सोची कि उसमें एक हैंडल होती है कप जैसा तो वो सिर्फ ना आप मैगी के लिए यूज़ कर सकते हो बट ये जो बाउल्स मैंने लिए हैं ये आप ऐसे नॉर्मल करी वरी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने लिए है एक छोटे से डस्टबिन ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा तो आप देख ही सकते हो देखो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा तो ये हमारे कार के लिए भी हो जाएगा टूर करते वक्त ना डस्टबिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो अभी तो मैं अपने रूम के लिए रखी हूँ तो ये बहुत ही क्यूट सा डस्टबिन तो ये मुझे मिला 129 में और दो बाउल्स इसका प्राइस है 79 ईच। और ये मैंने दो लॉक वाला एयर टाइट वाला दो बॉक्सेस लिए तो भी जैसे ऑफिस ओपन हो गया है तो मेरे सारे टिफ़िन बॉक्सेस जो है वो ख़राब हो गया है तो ये भी मुझे बहुत सस्ते में मिला 139 में दो वाइट चिप। और बाकी ये मैंने एक ट्रे ली है बस जस्ट फॉर मी एंड सौरभ के कप के लिए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा अलग सा फील दे रहा था एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है तो ये भी मुझे मिला 99 में। तो ये हो गया हमारा मार्केट 99 वाला शॉपिंग। तो अब चलो हम देखते हैं कि डी मार्ट से सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगा उन्होंने ना ये बैग दिया है मुझे एंड दिस इज़ ओनली 29 ऐसा कुछ तो ये बैग बहुत अच्छा है इफ़ नॉट मतलब ऐसे वाले शॉपिंग में ना आप यूज़ कर सकते हो। वैसे प्लास्टिक्स का भी बैंड है तो दे ऑलवेज गिव दिस टाइप ऑफ बैग्स जूट बैग्स तो ये तो इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। डी मार्ट से मैंने ये लिया है ये भी एक बॉक्स सेट है बट दिस इज़ 5 पीस सेट ये देखो 5 पीस सेट है इसका 5 पीस सेट है तो ये मुझे मिला 5 पीस सिर्फ 99 रुपीज़ में कैन यू इमेजिन। तो ये यही सब इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ थे ऐसे वाले बॉक्सेस बहुत सारे थे सेट्स बट मुझे तो वैसे बहुत आई लव ऑल दिस थिंग्स घर में बहुत सारा जम जाएगा और मम्मी पापा जब भी आते बोलते इतना सब कुछ खरीदते हो तो ये इतना इजीली वेस्ट नहीं होता मतलब ख़राब नहीं होता तो और दिस इज़ ऑल्सो माइक्रोवेव सेफ तो ये मैंने लिया मुझे और दो तीन लेनी थी बट मैंने सोची नहीं सौरभ से डांट पड़ेगी तो एक ही लेते तो इसलिए मैंने ये लिया। और बाकी थोड़े बहुत घर का शॉपिंग की मैंने तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये फ्यूज़ मिला मुझे 1 पे 1 फ्री यस एंड फिर बाकी ये मैंने दो कप्स लिए ये मेलामाइन के कप्स होते हैं तो मैं जब बॉम्बे में थी तो मेरे पास था बट वो ख़राब हो गया था तो अभी मैंने फिर से डी मार्ट और ये डी मार्ट में ही मिलती है बाकी अब बहुत सारी जगह मैं ढूंढी बट ये नहीं मिल रही मुझे तो ये मैंने दो कप्स लिया है मेरे लिए और सौरभ के लिए। वैसे बहुत सारे कप्स हैं घर पे बट ये दिस इज समथिंग डिफरेंट मेला माइंड के है तो बाकी तो ऐसे ही नॉर्मल ये हमारा हो गया सोप वॉश ये एयरविक का फ्रेशनर ये होगी हमारी चीज़ और एक फ्यूज़ 1 buy 1 get 1 था ये डेटॉल ख़त्म हो गई थी तो डेटॉल लिया हमने एक बड़ी वाली और ये वॉशरूम फ्रेशनर और ये रबर बैंड
और ये हमने लिया एक एयर टाइट क्लिप, ये बहुत हेल्पफुल होता है जब रबर बैंड नहीं होता है और कुछ एयर लॉक करना है, एयर टाइट करना है, तो इस क्लिप से आप कर सकते हो। तो यही था आज का मेरा शॉपिंग तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी थोड़ा डिनर विनर पकाना है तो, और फिर कल मिलते हैं या फिर किसी और दिन मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे वेल, स्टे हैप्पी, बाय बाय, गुड नाइट।